हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुजीत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी गर्ल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम, जिसको अगर मैं नॉर्मली कहूं या सीधी भाषा में कहूं तो इसको कहेंगे बहुपदों का भाग। जैसे कि हम नॉर्मली भाग करते हैं, वैसे ही ये वाला भी भाग है, बस वहाँ पर संख्याएँ रहती हैं और यहाँ पर बहुपद, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है बहुपदों का भाग, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है और इसके माध्यम से जो ये क्वेश्चन लिखा है, इसको हम सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और उसी से हम आपको समझाएंगे कि इसमें आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं और कहाँ कहाँ से आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलो हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसी के माध्यम से हम समझेंगे इसको, ठीक। देखो इसमें क्या दिया है आपको कि निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है आपका। पहला है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री और जी एक्स आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। अब ये जो दूसरी सवाल है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसमें देखते हैं। और इसको देखो, पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर, तो पी एक्स ये है, जी एक्स ये है। अब देखो हम भाग का साइन बनाते हैं, जैसे हम भाग बनाते हैं ना, ठीक है, ऐसे ही भाग करते हैं। अब इसमें कुछ संख्याएं रखते हैं यहाँ पर, तो अब इसमें क्या करना है, जैसे कि पी एक्स को बोला गया है तो पी एक्स जो है यहाँ बीच में रखा जाएगा, मतलब जिसको बोला गया है उसको बीच में रखा जाएगा। अब क्या बोला गया है पी एक्स को, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। अब जिससे बोला गया, किससे बोला गया है, जी एक्स से बोला गया है, मतलब कि जी एक्स को आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो क्या है जी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे हमको करने क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस दो है। अब यहाँ पर हम इसका पहला देखो, इसका पहला देखो, तो अब ऐसी किस चीज़ से हम गुणा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है उसका मतलब उस चीज़ का गुणा करने पर एक्स स्क्वायर से यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाए, मतलब इसके नीचे या फिर एक्स क्यूब आ जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर एक्स से हम इसमें गुणा कर देते हैं तो एक्स क्यूब आ जाएगा। देखो यहाँ पर साइड में मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर माइनस टू है। अब मैंने एक्स स्क्वायर बोला है लेकिन साथ में माइनस दो भी है ना, इसलिए एक्स का गुणा इसमें भी होगा। देखो ये है एक्स, एक्स का गुणा अगर हम करेंगे इसमें अगर कर दो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा आपका माइनस टू एक्स, इतना होगा ना। अब देखो हमें क्या करना है, एक्स क्यूब से मतलब है और ये बाकी जो आता है उसको आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट जो हमारा पहला है उसको ज़रूर करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो अब किससे हमने गुणा किया, एक्स से, तो यहाँ पर हम एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब तो हमने लिख दिया लेकिन यहाँ पर माइनस टू एक्स भी है। अब इसका क्या करेंगे, तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं और यहीं पर सवाल गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एक्स वाला पद नहीं लिखा जाएगा। तो नहीं लिखा जाएगा तो क्या किया जाएगा, देखो x वाला पद जहां होगा हम उसके नीचे रखेंगे। तो ये देखो x वाला पद यहां है तो हम यहां पर इसके नीचे रख देते हैं क्या, माइनस टू एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करते हैं भाग में, घटा देते हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो यहां पर जब घटाएंगे तो यहां पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा और यहां पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि घटाव में घटाने पर होता है कि माइनस सॉरी साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया, अब ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब यहाँ पर आ गया, अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर फाइव एक्स है और यहाँ पर अब प्लस टू एक्स हो गया तो कितना हो जाएगा, सेवन एक्स। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी लिखे हैं जो बचे हुए हैं अब इसके साथ में हम फिर से लिख लेंगे उसको, जैसे कि यहाँ पर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बचा है, इसके आगे हम लिख लेते हैं माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा प्लस, तो बीच में आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचा है आपका माइनस तीन, तो यहाँ पर माइनस तीन हम लिख देते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ गया है, फिर से वही करेंगे। अब हमको ऐसा गुणा करना है कि यहाँ पर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर जो है ये आ जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो अगर यहाँ पर हम माइनस थ्री से गुणा करते हैं, इसमें माइनस थ्री से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा, एक बार गुणा करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू और माइनस थ्री से गुणा करेंगे
माइनस थ्री से गुणा अगर इसमें करोगे तो माइनस थ्री हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस सिक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तीन दुना छः होता है और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस को गुणा प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, ठीक है। अब इसको इसमें रखते हैं, देखो अब ये चीज़ आ गया, देखो दोनों आ गए ना बराबर, तो यहाँ पर बराबर करेंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस सिक्स है, तो जैसे मैंने बताया कि जो पद जैसा भी रहेगा उसी के नीचे रखा जाएगा, तो यहाँ पर सिक्स है और यहाँ पर एक्स नहीं है और यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब है इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो माइनस तीन है इसके नीचे रखते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद घटाएंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये छः तीन नौ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस है तो जुड़ जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब कुछ बचा हुआ है यहाँ पर, देखो तो सेवन एक्स बचा हुआ है ना, तो सेवन एक्स को यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम आगे भाग करने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू है और यहाँ पर सेवन एक्स माइनस नौ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स ही अकेले है, मतलब ये स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम इसका भाग अब आगे नहीं कर सकते हैं और यही हमारा हल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, माइनस तीन लिखा था, तो यहाँ माइनस तीन मैं भूल गया था करने, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस तीन हो जाएगा और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं भागफल कितना आया है, यहाँ पर लिख देते हैं भागफल आया आपका कितना, एक्स माइनस थ्री और शेष फल आया आपका सेवन एक्स माइनस नाइन। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं इसको हम लोग, तो इसको आप करिएगा। कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे हम करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, इसका इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, प्लस और गुणा, आप करके देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा। अगर ये आ गया तो समझो कि भाग सही है, ऐसे हम नॉर्मली भी तो करते हैं ना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मान लीजिए कुछ कंफ्यूज हो गए होगे आप, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है। अब इसको आप बढ़िया से और समझिएगा तो हो सकता है और बढ़िया से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला है कि दूसरे सवाल देखते हैं आप, ठीक है। पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर, तो पी एक्स जिसको बोला गया है उसको बीच में और जिससे कहा गया है उसको साइड में ना, लेकिन अब देखो यहाँ पर लिखा है टू माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसमें ऐसा कुछ था नहीं, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू था, मतलब नॉर्मली ही था ये, लेकिन यहाँ पर टू माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर ऐसे लिख देंगे तो अगर सॉल्व करेंगे सवाल तो गलत हो सकती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन कर रहे हैं भाग इसका तो हमेशा अवरोही क्रम में चेंज कर लें पहले बहुपदों को। अब अवरोही क्रम क्या है इसको मैं बता देता हूँ, अवरोही क्रम का मतलब है कि घटते क्रम, ये तो आप जानते ही हैं ना, बट इसमें जो घटते क्रम होता है वो होता है घातों का घटते क्रम। जैसे यहाँ देखो एक्स की पावर फोर है, फिर एक्स है, ये घात घट रही है ना, यहाँ पर सिक्स है और यहाँ पर एक्स की पावर जीरो कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं ना, यहाँ एक्स है तो यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो सिक्स नॉर्मली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो घट रहा है बट यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इसको भी घटते क्रम में हमें करना पड़ेगा। अगर इसमें भी देखो तो ये घटते क्रम में है, ये भी घटते क्रम में है, मतलब अवरोही क्रम में है। तो अब यहाँ पर जी एक्स मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है ना, तो माइनस इसको लिख देंगे और इसके आगे प्लस था, तो ये हो जाएगा जी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। इतनी बात समझ में आ गई, अब देखो फिर वही करेंगे जैसे हमने यहां पर किया था, क्या करेंगे, जिसको कहा गया उसको बीच में रखेंगे, किसको कहा गया है, पी एक्स को, एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये हो गया, और जिससे कहा गया उसको इस साइड में रखेंगे, तो यहाँ पर जी एक्स से कहा गया तो जी एक्स है आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
टू। ठीक है, अब जैसे हमने बताया था यहां पर वैसे ही यहां पर भी करेंगे। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर है और माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे एक्स की पावर फोर हमको बनाना है, तो इसके लिए अब यहां पर किससे गुणा करेंगे कि एक्स की पावर फोर आ जाए। अब क्या करेंगे एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब ही आएगा, वो भी माइनस में। ठीक है, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर फोर आ जाएगा, लेकिन माइनस में एक्स की पावर फोर आएगा, लेकिन यहां पर प्लस का एक्स की पावर फोर है ना, तो एक काम करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करके देखते हैं। इसमें यहां पर साइड में करते हैं, यही कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा आपका, और किससे मैंने कहा कि माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना प्लस एक्स की पावर फोर। क्यों? क्योंकि इसका गुणा हुआ तो एक्स की पावर फोर आ गया, यहां पर माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस हो जाता है। अब यहां पर गुणा करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बट माइनस होगा, क्यों होगा, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, तो यहां पर हो जाएगा माइनस। इसका मतलब है कि हम माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और चाहे जितना उससे आपसे नहीं मतलब है, एक्स की पावर फोर यहां पर है ठीक है, तो यही चीज हमें लाना है, और यहां पर चाहे जितना आ जाए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्या, इस तरफ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, और ये वाला भाग अब इसके नीचे उतारते हैं। देखो एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर है, और यहां पर कहीं एक्स स्क्वायर का पद नहीं दिख रहा है, टर्म नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसको हम सबसे अलग लिख लेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं माइनस टू एक्स स्क्वायर, बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं क्या करते हैं घटाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, एक्स की पावर फोर एक्स की पावर आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर बचा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, अब यहां पर जो जो बचे हुए हैं हम उसको यहां पर लिख लेते हैं, क्या बचा हुआ है माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इधर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो ज्यादा आसान हमको सॉल्व करने में पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे एक्स स्क्वायर है फिर एक्स हो गया प्लस सिक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें अब बनाना है टू एक्स स्क्वायर, क्या बनाना है टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो स्वाभाविक है कि यहां पर दो से गुणा करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, लेकिन माइनस दो से गुणा करेंगे तो यहां पर प्लस में दो एक्स स्क्वायर है, ये भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम करते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दो में किससे गुणा करेंगे माइनस दो से, दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर गुणा करेंगे तो चार हो जाएगा और प्लस माइनस का गुणा यहां पर माइनस हो जाएगा, मतलब ये आ रहा है अब आपका। ठीक है, अब किससे गुणा किया हमने, तो यहां पर माइनस दो लिखते हैं और अब क्या करेंगे ये वाला जो है आपका यहां पर लिखते हैं, क्या आया आप भी देख लीजिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, टू एक्स स्क्वायर यहां पर लिखते हैं और यहां पर माइनस फोर है तो माइनस फोर कहां लिखा जाएगा सिक्स के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला छोड़कर अब हम यहां पर सिक्स के नीचे लिखते हैं माइनस फोर। अब हम घटा लेते हैं, देखो यहां पर जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, ये तो अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, अब सिक्स माइनस सॉरी सिक्स में चार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दस हो जाएगा। अब यहां पर माइनस फाइव एक्स भी है तो यहां पर मैं इसके आगे माइनस फाइव एक्स लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स है, अब ये देखो इससे कम है, एक्स स्क्वायर है ये एक्स है, जब कम हो गया अगर घात कम हो गई तो इसका मतलब है कि हम भाग आगे नहीं कर सकते और यही आपका शेषफल हो जाएगा और ये आपका भागफल हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भागफल कितना हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू
और आपका शेष फल हो जाएगा -5x + 10। तो इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जो कि बहुपद है। बस आपको क्या करना है कि ये जो पहला वाला पद होता है आप इसके बराबर इसको करने की कोशिश करेंगे, बस। और कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, जो पद है पद के नीचे लिख देंगे। यहाँ पर जैसे हमने 2x, देखो यहाँ पर कोई पद नहीं था 2x, एक्स स्क्वायर का, तो हमने किनारे पर रख दिया, साइड में रख दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अवरोही क्रम में ज़रूर चेंज कर लीजिएगा, अगर अवरोही क्रम में नहीं है तो, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बस मैथ में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इसको एक बार फिर वीडियो देख लीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।